बकाया करों की वसूली के लिए इंदौर नगर निगम एक्शन मोड में आ गई है। संपत्ति कर की वसूली के लिए अब नगर निगम बिचौली मर्दाना स्थित सहारा सिटी होम्स के प्लॉट नीलाम करेगा। ये कार्यवाही इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब नगर निगम अपने कर वसूलने के लिए किसी संपत्ति की नीलामी कर रहा है। आपको बता दें कि सहारा होम्स पर इंदौर नगर निगम का 22,94,00,000 रुपए का संपत्ति कर बकाया है। आर्थिक तंगहाली से गुजर रहे इंदौर नगर निगम ने अपने बकाया करों को वसूलने के लिए अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में नगर निगम ने बिचौली मर्दाना के जोन 19 में स्थित सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहारा सिटी होम्स की संपत्ति पर बड़ी कार्यवाही की है। ये संपत्ति सर्वे नंबर 167 से 187 तक स्थित है। सहारा सिटी होम्स पर निगम का करीब 23 करोड़ रुपए संपत्ति कर बकाया है। सहारा सिटी होम्स की करीब 3,18,000 स्क्वायर फीट की संपत्ति है। बकाया संपत्ति कर के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, कोई सकारात्मक जवाब नहीं आने पर निगम ने धारा 173 और 174 के तहत संपत्ति कुर्क कर ली थी। इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर निगम अब पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा बेचकर अपना 23 करोड़ का संपत्ति कर वसूल करेगा। सूत्रों की माने तो निगम सिर्फ 1.8 हेक्टेयर यानी करीब 18,066 वर्ग मीटर रिक्त भूखंड नीलामी के जरिए बेचेगा। ये जोन 19 की संपत्ति है, करीबन 3,18,000 स्क्वायर मीटर की संपत्ति है, ऑलमोस्ट 30-31 हेक्टेयर की। और इसमें कई बार प्रयास किए गए, वहाँ पे नोटिस भेजे गए टैक्स के, और करीबन 23 करोड़ का निगम का संपत्ति कर बकाया है। अब इसमें जैसा कि हमारे एक्ट में प्रावधान है, हमने उसमें धारा 173 और 174 की कार्रवाई करके जब्ती कुर्की की कार्रवाई कर ली थी। अब इसमें फाइनल ये कल आज हम लोग ने पेपर इसकी विज्ञप्ति निकाली है। लैंड को एक उसमें से बड़े से पार्सल में से एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर जो निगम का संपत्ति कर है उसको बकाया करने के लिए हमने एक नोटिस निकाला है। सर, ये पहली बार होगी इस तरह की कार्रवाई? ये कमिश्नर सर के सख्त निर्देश हैं कि सख्ती से जो भी राजस्व बकाया है उसको वसूला जाए, तो उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है। और बाकी भी ज़मीनों को हम देख रहे हैं जहाँ पे बड़े टैक्स बकाए हैं, वहाँ पे भी हम इसी प्रकार की आगे कार्रवाई करने की तैयारी में हैं, और अगले 10-15 दिन में सारे जगह ये कार्रवाई इनिशिएट कर देंगे। बहरहाल अपर आयुक्त तो अभिलाष मिश्रा ने सभी बकायेदारों से अपना संपत्ति कर या जो भी कर बाकी है वो तुरंत जमा करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि जिस पर भी संपत्ति कर का एक बड़ा अमाउंट बाकी है उस पर इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।